देखो आई हैव नथिंग टू से अबाउट हर बिकॉज इट इज़ हर विश. अगर वो सोचती है वो सक्षम है लड़ सकती है तो ठीक है. एंड रेस्ट इज फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड. बीजेपी से चाहती है, कांग्रेस से चाहती है, मुझे नहीं पता किधर से वो टिकट चाहती है. जो भी पार्टी समझे कि वो जीत सकती है तो ये उनका निर्णय है, ये उनका फैसला है, उसे हम भी स्वीकार करेंगे. बाकी तैयारी क्या है कांग्रेस की लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल में? देखिए ऐसे तो हमारे लोग सभी जानते हैं कि 24 को लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है. उसमें हम पूरी तरह से फील्ड में उतर चुके हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का फीडबैक ले रहे हैं और जहाँ जहाँ कोई कमियाँ नज़र आ रही है उन कमियों को दूर करने का भी प्रयास कर रहे हैं. और जो हमने काम करना है इस इलेक्शन के लिए वो अपनी अपनी संगठन को मजबूत करने के लिए भी हमने कड़े कदम उठाए हैं और निर्देश भी दिया है पार्टी वर्कर्स को कि आप इसकी तैयारी करें ताकि हम 24 का चुनाव अच्छे मार्जिन से जीत सकें. देखिए जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी तो तरह तरह की रुकावटें पैदा करने का प्रयास कर रही है. जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि जो हमने मैनिफेस्टो में बातें कही है, आपको पता ही है कि हमने पहली गारंटी ओपीएस देने की बात की और वो सरकार ने पूरी भी की है. आज लोग संतुष्ट है, लोग खुश है कि हमारी एक मांग को पूरा किया है. दूसरी मांग हम उसके ऊपर सोच कर रहे थे कि कब इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री स्पीति भी गए. स्पीति में भी उन्होंने कहा कि हम इसकी शुरुआत यहाँ से करेंगे. उसके बाद ये आपदा आ गई और आपदा में सरकार को ये दिक्कत सामने आ गई कि केंद्र सरकार में इसने पैसा देना था. हमने बार बार ये मांग माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी रखी और हमें पूरा विश्वास था कि प्रधानमंत्री जी जहां हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बताते हैं तो उन्होंने इसमें कोई पहल नहीं की, हमको आर्थिक पैकेज देने की बात नहीं की. जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है वो इतना बड़ा था, 12,000 करोड़ का हमने अनुमान लगाया था तो उसके लिए हमें केंद्र से एक पैसा भी नहीं मिला. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी, सबसे आग्रह किया कि हम सब इकट्ठे होकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में इतना नुकसान हुआ है तो आप या तो इसको आपदा स्टेट घोषित करें या आप जल्दी से जल्दी ये धनराशि हमें उपलब्ध कराएं ताकि हम लोगों को राहत दे सकें. बहुत समय बीत गया, प्रधानमंत्री जी ने इसका संज्ञान नहीं लिया. अंततः माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इसमें पहल की और उन्होंने जो ये 4,500 करोड़ की धनराशि देकर लोगों को राहत देने की बात की, इसकी वजह से थोड़ी दूसरी जो हमारी महिलाओं को पैसे देने की बात थी उसमें हमारी थोड़ी देरी हुई, थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी. तो इसलिए हमने इसको कहा है कि हम देंगे और जब हम इस आपदा की स्थिति से निपट जाएंगे तब हम इसकी शुरुआत भी करेंगे. मुख्यमंत्री से ये बात की थी, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये कहा था कि एक दिन मैं भी दूंगा, उसके बाद सारे मंत्री भी आएंगे. अब वो अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए, ज़्यादा समय नहीं दे पाए, फिर भी मैं उनसे आग्रह करूँगी कि एक दिन वो अवश्य पार्टी कार्यालय में आए और जो हमारे पार्टी वर्कर्स की कोई मुश्किलात है उसको दूर करने का प्रयास करें और उन्हें समय देना चाहिए ताकि दफ्तर में तो आप काम को लेकर जाते हैं पर जो संगठन की बात है वो पार्टी के दफ्तर में ही होनी चाहिए. तो मैं दोबारा उनसे अपील करूंगी कि कुछ समय वो पार्टी को भी दें. देखिए जब तक हमारे तक आवाज़ पहुंच रही है, जो हम थोड़े अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, हमें लगता है कि लोगों के मन में इस बार बदलाव की लोग बदलाव चाहते हैं क्योंकि मोदी की सरकार को अब 10 साल लोगों ने देख लिया है. जो उन्होंने वायदे किए थे ये बात स्पष्ट है कि उन्होंने, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, उन्होंने यहाँ पर भी आकर मोदी जी ने कहा था कि मैं महंगाई कम करूँगा, मैं रोजगार दूंगा हमारे नौजवान साथियों को और भ्रष्टाचार हटाऊंगा. तो इस पर कहीं भी वो सफल नहीं हुए हैं. तो इसलिए लोग भी अब काफ़ी रुष्ट हैं और लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले जो ये चुनाव है इसमें अवश्य बदलाव होगा और नया नेतृत्व प्रदेश देश को मिलेगा ताकि हम अपने विकास के कामों को आगे बढ़ाएं और लोगों की जो चाह है उसको पूरा करें. 103 मंत्री के पद अभी खाली हैं और निगमों बोर्डों में भी ताजपोशियां नहीं हुई है उस हिसाब से होनी चाहिए थी. आप भी लगातार बात करती आई, कुछ कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखी गई है, तो क्या मानते हैं क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है
ऐसे में अब आपकी भी बात पार्टी हाईकमान से हुई होगी, कब तक जो ये ताजपोशियां हो जाएंगी ताकि आगे जो है लोकसभा चुनाव में भी परेशानी ना आए पार्टी? देखिए, मैंने अपना पक्ष सरकार के सामने कई बार रख चुकी हूँ, कई बार मैंने ये बात कह दी है कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो जो जिले जहाँ से हमारे मंत्री बनने चाहते हैं उसके बारे में भी हमने बात की है। अब दैट इज़ फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड कि आप किस कब तक ये निर्णय लेंगे और कब तक ये ताजपोशी करेंगे।